गाइस वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो। मेरे पास है अभी वीवो का X100। मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे ये चेक करो गाइस, OMG यार ये काफी प्यारा फोन है। 120 वॉट का आपको फ्लैश चार्जर दिखाने वाला हूं इसका। सो गाइस ये चेक करो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज रिदम। आज गाइस आई होप यार आप सब बढ़िया होगे। तो भाई लोग कैसे हैं मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। सो गाइस वी आर हियर विद अ न्यू वीडियो। यहां पे आप चेक कर सकते हो मेरे पास है अभी वीवो का X100, जो कि यहां पे अभी न्यूली डिवाइस जो लॉन्च हुआ था। चेक कर सकते हो आप सारे, ठीक है। यहां पे बॉक्स आप चेक कर सकते हो जो कवरिंग में आता है। काफी अलग टाइप का वीवो का बॉक्स आ जाता है आजकल गाइस। जैसे बाकी के बॉक्स होते हैं रेक्टेंगल शेप में होते हैं, और ये देखो प्रॉपर ना स्क्वायर शेप में एक बॉक्स दिया हुआ है। सो एनीवेज इसका आज हमने करना है रिव्यू। इसके स्पेक्स जानेंगे, क्या क्या इसके की फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें डिवाइस में आपको फीचर्स मिल जाते हैं अच्छे, एंड क्या क्यों इसका जो प्राइस है वो नियरली 60,000 तक जाता है, उस सबको हम अभी रिव्यू करेंगे अच्छे से। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपना रिव्यू करते हैं स्टार्ट। सो चलो आ जाओ गाइस, लेट्स गो गाइस। फाइनली वी आर हियर विद दिस फोन। अभी यहां पे हम करने वाले हैं, यहां पर अपने देख सकते हो वीवो X100 को अनबॉक्सिंग। सो यहां पे आप चेक कर सकते हो गाइस, फर्स्टली यहां पर अभी हम अनबॉक्स करते हैं। और ये देखो गाइस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था स्क्वायर डिजाइन में यहां पर हमें ये बॉक्स मिलता है। बाकी सारे रेक्टेंगुलर फोन्स के कंपैरेटिवली ये स्क्वायर बॉक्स मिल जाता है हमें। इसका सबसे पहली चीज तो यूनिक चीज ये आ जाती है। दूसरी चीज 60,000 इसका क्यों प्राइस है गाइस, इसके बारे में हम जानेंगे आज सबसे पहले इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो लास्ट तक बहुत जरूर करना। बाकी यहां पे डिवाइस आप देख सकते हो गाइस, इसका जो बैक है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, बिकॉज इसके डिवाइस के अंदर हमें ना तीन तरह के कैमरास मिल जाते हैं। सो एज यू सी हियर, अभी मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूं। यहां पे ये चेक करो गाइस, OMG यार ये काफी प्यारा फोन है, ठीक है। सो यहां पर देख सकते हो 60,000 वाला इसमें ऐसा क्या है वो अभी आपके सामने रिवील होने वाला है गाइस। सो एज यू ऑल सी, ठीक है, ये डिवाइस आप देख सकते हो काफी स्लीक डिवाइस आ जाता है एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। सो काफी प्यारा ये डिवाइस है। फर्स्टली तो इसके कलर्स की बात करें अगर, तो इसके अंदर हमें दो कलर्स मिल जाते हैं वीवो X100 के अंदर। सबसे पहला आ जाता है स्टार ट्रेल ब्लू, दूसरा आ जाता है एस्ट्रॉइड ब्लैक। सेकंड थिंग, इसके अंदर IP रेटिंग प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं गाइस, सो इसके अंदर हमें IP68 रेटिंग प्रोटेक्शन मिल जाती है। इट मींस ये वाटरप्रूफ डिवाइस है, ठीक है। सो इसे ओपन करते हैं, यहां पे आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। सो ऑन करके इसके फर्स्टली तो इसको यहां पे ऑन करके मैंने इधर रख दिया है, ठीक है। यहां पे आप चेक कर सकते हो गाइस, ऑन हो चुका है अपना फोन। एंड बाकी इसकी और फीचर्स की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर इसके अंदर हम बात करते हैं गाइस, तो फ्रंट टच OS 14 इसके अंदर हमें आ जाता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एंड्रॉइड वर्जन इसमें 14 मिल जाता है हमें गाइस। सो वीवो X100 एक काफी बढ़िया डिवाइस है गाइस, मैं आपको सही बात बताऊं तो। लेकिन प्राइस भी काफी मतलब हाई है इसका, 60,000 यार वर्थ करता है। एंड द पॉइंट इज, इसकी अगर हम बात करते हैं इसका जो स्टोरेज है, जो कैपेसिटी आ जाती है, आपको इसमें दो वेरिएंट मिलते हैं गाइस, ठीक है। एक तो 12 GB रैम प्लस उसके अंदर 256 internal GB स्टोरेज मिल जाती है। एंड द सेकंड थिंग इज 16 GB रैम प्लस 512 GB की इंटरनल स्टोरेज हमें मिल जाती है, ठीक है गाइस। बाकी मीडियाटेक डिमेंसिटी की अगर हम इसकी बात करें, तो 9300 की इसकी मीडियाटेक डिमेंसिटी मिल जाती है गाइस, जो कि बहुत ज्यादा सही है यार। तो गाइस बाकी अगर हम CPU कोर काउंट की बात करते हैं, तो 8 CPU कोर काउंट इसके अंदर हमें डिवाइस में मिल जाते हैं देखने को। रैम टाइप की बात करते हैं, तो LPDDR5X इसके अंदर हमें रैम टाइप मिल जाती है। और रोम टाइप की बात करते हैं, तो UFS 4.0 इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। एक्सपेंडेबल रैम कैपेसिटी की बात करते हैं, तो अगर हमने बढ़ानी हो गाइस रैम कैपेसिटी इसकी, तो 12 GB रैम हम बढ़ा सकते हैं, 16 GB रैम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर एक्सपेंडेबल रोम कैपेसिटी की बात करें, तो वो इसके अंदर सपोर्ट नहीं करती है गाइस। सो ये इसका लाइक तो आप कह भी सकते हो 512 GB में यार रोम कैपेसिटी आपको क्या ही करनी है। 512 GB भाई बहुत ज्यादा होती है गाइस, एज यू ऑल सी। सो इंटरनल स्टोरेज इसकी काफी ज्यादा बढ़िया है। बाकी अगर हम इसके चार्जर की बात करते हैं गाइस, तो 120 वॉट्स का फ्लैश चार्जर इसके साथ हमें मिल जाता है देखने को। एंड बैटरी टाइप की बात करते हैं, तो लिथियम बैटरी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है, ओके। सो बाकी गाइस यहां पे सबसे पहले तो और चेक करते हैं इस डिवाइस में, हमें देखते हैं और क्या क्या मिलता है नीचे से फर्स्टली ओपन करने के बाद। सो यहां पे आप चेक कर सकते हो गाइस, इसका बैक कवर मिल जाता है, जो कि सिलिकॉन बैक कवर आप कह सकते हो। सो ये काफी लाइक स्मूथ भी है एंड अच्छा भी है गाइस, तो मतलब प्रोटेक्ट करके काफी ज्यादा रखेगा। बट इसका अगर गिरा ना फोन नीचे, तो मेरे को तो लगता है भाई कैमरे का तो पटाखा हो जाएगा, सही बात बताऊं तो। बिकॉज इसका जो कवर है गाइस, आप यहां पे देख सकते हो बिल्कुल कैमरा जो है ना थोड़ा सा बाहर निकल रहा है यार, एज यू विल सी हल्का हल्का। बट अगर कोई पत्थर वत्थर हुआ और ये फोन अगर आपसे नीचे छूट करके गलती से भी गिरा, तो कैमरा तो टोटली डैमेज होने वाला है और कुछ भी नहीं बचेगा भाई इसके कैमरा का। 60,000 एकदम से भाई मिट्टी हो जाएंगे। तो इसके अंदर हमें लेंथ मिल जाती है 164.05 mm की। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें, तो 75.19 mm की इसकी हमें विड्थ मिल जाती है। और थिकनेस की अगर हम इसकी बात करते हैं, तो 8.49 mm की इसकी हमें थिकनेस देखने को मिल जाती है, ओके। सो यहाँ पे काफी यूनिक और ये काफी स्लीक डिवाइस है, ठीक है गाइस।
एज यू ऑल सी। अगर इसके डिवाइस की अगर हम वेट की बात करें तो ये काफी ज्यादा लाइट डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। 206 ग्राम का ये डिवाइस है टोटल। इसकी गाइस हैंड वाइज लुक चेक करते हैं तो काफी प्यारा एक डिवाइस देखने को मिल जाएगा आपको। सो यहाँ पे देख सकते हो कैरी करने में कितना सही लगता है यार पीछे से, लाइक अगर आपको कोई कॉल आया ऑडियंस की अटेंशन जो है ये गेन करेगा डिवाइस, ओके। सो बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर्स की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हमें इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगर सेंसर मिल जाते हैं, ठीक है। सो काफी बढ़िया चीज है वो भी। एंड साइज अगर इसका देख सकते हो, अगर आप गाइस बॉडी रेशो की बात करें तो 6.78 इंचेस इसकी बॉडी रेशो मिल जाती है। रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 2800x1260/4FHD इसमें प्लस हमें रेजोल्यूशन मिल जाती है, ठीक है, जो कि काफी बढ़िया है। रिफ्रेश रेट इसके अंदर अप टू हमें 120 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रेश रेट मिल जाएगा इस डिवाइस के अंदर। बाकी पीक ब्राइटनेस की अगर इसकी हम बात करते हैं गाइस, 3000 निट्स की हमें गाइस इस डिवाइस के अंदर पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। एज यू ऑल सी यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भाई बहुत ज्यादा होती है। डार्क थीम आ जाता है इसके अंदर, हमें डार्क थीम अवेलेबल है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फर्स्टली। तो डार्क थीम को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ फर्स्टली। तो एयरप्लेन मोड, आई प्रोटेक्शन और भी काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एसएस कैप्चर, यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर का भी बटन है। पिक्सल डायमेंसिटी की बात करें अगर हम, तो इसके अंदर हमें 452 ppi की पिक्सल डायमेंसिटी मिल जाती है एमोलेड स्क्रीन के साथ में, ठीक है। 5G सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर दो नैनो सिम्स डाल सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे फर्स्टली तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सिम ट्रे है वो सिम ट्रे गाइस यहाँ पे देख सकते हो, स्विच ऑफ एंड ऑन का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम्स के बटन राइट साइड पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर भी यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं, ठीक है, एज यू विल सी। एंड नीचे स्पीकर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जैक देखने को मिल सकता है यूएसबी टाइप सी केबल के साथ में, एज यू विल सी हियर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, एंड ये आ जाती है इसकी सिम ट्रे जिसके अंदर हमारी दो नैनो सिम्स डलनी है। बाकी गाइस यहाँ पे चेक करते हैं ये डिवाइस के साथ में, हमें यहाँ पे देख सकते हो फर्स्टली एक प्रोटेक्शन मिल जाता है यहाँ पे इस पे अप्लाई करने के लिए, सिम इजेक्ट टूल देख सकते हो गाइस जो कि काफी यूनिक मिल जाता है हमें इसके साथ में। सो ट्रायंगुलर बोल सकते हैं जस्ट लाइक एक, तो सिम इजेक्ट टूल भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर अभी ड्रॉप करके रख देते हैं सामने। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, एज यू ऑल सी इसके अंदर हमें क्विक स्टार्ट गाइडलाइंस होंगी पक्का गारंटी के साथ में गाइज। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वारंटी कार्ड, ओके। सो सबसे पहले वारंटी कार्ड है, देन आफ्टर दैट आई थिंक गाइज यहाँ पे आप अंदर है क्या और कुछ भी, हाँ भाई। सो गाइज एज यू ऑल सी यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइडलाइंस मिल जाती है हमें गाइज, ठीक है। एंड इसे भी यहाँ पे रख देते हैं बिकॉज हमारे को इसकी कोई नीड नहीं है फिलहाल। तो 120 वॉट्स का आपको फ्लैश चार्जर दिखाने वाला हूँ इसका। सो गाइज ये चेक करो, OMG यार, डिवाइस का चार्जर तो एक नंबर है और चार्ज इसको जो करने वाला ना 19 मिनट के अंदर ही है, बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से चार्ज करने वाला ये डिवाइस, ठीक है। सो 120 वॉट का चार्जर बहुत ज्यादा खतरनाक लगा इसके डिवाइस के अकॉर्डिंगली। तो गाइज एज यू ऑल सी इसके अंदर हमें टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, इसके अंदर हमें गाइज टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को नहीं मिलती है। एज यू ऑल सी यहाँ पे डाटा केबल आपके सामने अभी रिवील कर दी है मैंने, बाकी इसको सबसे पहले तो बंद कर देते हैं, ठीक है। एंड बंद करने के बाद इसके बाकी और डिवाइस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया जो कैमरा की अगर हम बात करते हैं, डुअल सपोर्ट आपको मैंने बता दिया था कि इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है। बाकी कैमरा इसके जो फ्रंट कैमरा है गाइस वो आपको 32 मेगापिक्सल मिल जाता है। रियर कैमरा तीन कैमरा है गाइस, ठीक है। एक तो रियर कैमरा है जो कि 50 मेगापिक्सल का, बाकी उसके साथ में 50 मेगापिक्सल का एक और कैमरा है एंड 64 मेगापिक्सल का तीसरा कैमरा है, ठीक है। बाकी फ्लैश टाइप की बात करें तो रियर फ्लैश इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रियर फ्लैश इसकी जो कि काफी बढ़िया है। बाकी सब कुछ मैंने अभी अनबॉक्स कर ही दिया इस डिवाइस का। बाकी अगर इस डिवाइस के और फीचर्स की बात करते हैं तो ब्लूटूथ जो इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है 5.4 आपको ब्लूटूथ का वर्जन देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे आप ब्लूटूथ देख सकते हो, ठीक है। यूएसबी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर टाइप सी मिल जाती है, टाइप सी टू टाइप सी। एंड OTG GPS एंड NFC सपोर्ट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ओके। सो सेंसर्स की बात करें तो एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर, ई कंपास, आपको सब कुछ इसके डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। काफी मतलब यूनिक डिवाइस है यार ये। गाइस अगर हम इसके कैमरा टेस्टिंग की फर्स्टली बात करते हैं, सो यहाँ पर अभी मैं इसको ना कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके सामने। सो यहाँ पे ये चेक करो, ठीक है, फोटो सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हो 1x जूम है अभी 0.5 अगर मैं करता हूँ। सो यहाँ पे ये चेक करो, ये 0.5 आ जाता है। पिक्सल देखो गाइस, इसके पिक्सल एकदम मतलब लाइक ना क्लियर रहता है फोटो यार, फटने का कोई नाम नहीं लेता। डार्कनेस ये देखो, डिम हो जाएगा एकदम, एंड ये एकदम डार्क एंड काफी मतलब ठीक है यार, एकदम ओके है, लाइक एकदम बढ़िया। एंड 1x जूम पे यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ जाता है। 2x जूम पे क्लैरिटी यार एकदम बढ़िया दिया वीवो वालों ने एज कम्पेयर टू रेडमी, तो काफी बढ़िया क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है मेरे को। ये देखो गाइस नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो वीवो का फोटोग्राफ खींचते ही सबसे पहले नीचे वीवो X100 यहाँ पे दिखा देता है लिखा हुआ, ठीक है। बाकी किस डेट को खींचा है, टाइमिंग सब कुछ मेंशन है, बाकी क्लैरिटी आप चेक कर सकते हो खुद ही, ठीक है। सो काफी ओके लाइक फोटोग्राफ भी सही आई है। एंड पिक्सल यार पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पुराना ब्लर कर दिया कैमरे के पीछे इसने। अरे भाई 10x जूम है इसके अंदर, OMG भाई। ये देखो 5 पे, 6 पे, 10 पे, 20 पे, भाई 100x जूम पे ले जाता हूँ एकदम, 100x जूम तक है भाई ये, ओके। सो गाइस 100x जूम आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है, 0.6 to 100 जूम भाई कुछ नहीं दिख रहा है,
ओके सो नाइस यार। बाकी वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आप देख सकते हो 46mm एंड यहाँ पे 3x जूम के साथ में आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो काफी अच्छा फीचर लगा ये भी वीडियो के अंदर भी इन्होंने दिया हुआ है 3x जूम के साथ। बाकी ये देखो गाइस, हाई रेजोल्यूशन मिल जाती है आपको, पैनोरामा मिल जाता है गाइस, इसके अंदर आपको अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, स्लो मोशन मिल जाता है, टाइम लैप्स देख सकते हो मिल जाता है, सिनेमैटिक पोर्ट्रेट मोड भी आपको इसके अंदर वीडियो में मिल जाएगा बनाने के लिए, लॉन्ग एक्सपोजर है गाइस, सुपर मून मोड भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। सो काफी अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको फीचर देखने को इस डिवाइस के अंदर हमें मिल जाते हैं। मैंने गलती से फोटो पे टैप कर दिया है, एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हो मोर पे चल के स्पेक पे जाते हैं एंड यहाँ पे ये देखो गाइस, लैंडस्केप एंड आर्चेट प्रो फूड लाइव फोटोग्राफ्स तक आप इस फोन में खींच सकते हो, ठीक है। सो काफी ज्यादा फीचर्स हैं यार इस डिवाइस के। पोर्ट्रेट मोड की अगर हम बात करते हैं सो ये चेक करो, पोर्ट्रेट मोड से जरा एक फोटो खींच के देखते हैं एंड इसको बाकी टैप करते हैं इस सिंगल चीज पे, या तो हम प्रॉपर ना इस पे पकड़ लेते हैं यार। गाइस यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोर्ट्रेट पे मैंने कैमरा रखा हुआ है, सो एक फोटो खींच करके चेक करते हैं कि क्या पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको शो होता है कि नहीं होता है गाइस, एज यू विल सी। सो यहाँ पे ये देखो गाइस, स्नैप क्लिक कर रहा हूं मैं एंड अभी स्नैप चेक करवाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबको एंड ये चेक करो इसकी स्नैप कितनी सही आई है, एकदम बढ़िया एज यू ऑल सी हियर, ठीक है। ओके सो पीछे से आप पोर्ट्रेट की अगर बात करें तो ब्लर हल्का हल्का ही किया, इतना कुछ खास नहीं कह सकते, बट हाँ ब्लर बोलते हैं कि लाइक हुआ है एज कम्पेयर टू यहाँ पे आप बाकी फोटो भी देखोगे, मैंने दो तीन स्नैप्स क्लिक किए। सो अच्छा है गाइस कैमरा इसका, काफी बढ़िया क्वालिटी आपको कैमरा की देखने को मिल जाती है। बाकी एमोलेड डिस्प्ले की वजह से और भी ज्यादा ये डिवाइस ना अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी अगर इसके अदर सेंसर्स की अगर हम डिवाइस की बात करते हैं, इसके अंदर और भी सेंसर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेजर सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इंफ्रारेड ब्लास्टर देखने को मिल जाएगा, फ्लिकर सेंसर आपको इसके अंदर डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जय श्री राम मेरी सारी YouTube फैमिली को, जैसा कि आप सबको पता है कि आज भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित हुई है, ठीक है, अयोध्या में। सो मेरी पूरी YouTube फैमिली को मेरी साइड से जय श्री राम एक बारी। बाकी और इस बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें सो सारा कुछ आपके सामने ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्टली हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये डिवाइस, इस डिवाइस के साथ हमें देखने को मिल जाता है बैक कवर इसका, जो कि काफी अट्रैक्टिव है, जो कि अभी मैं आपको इसके ऊपर लगा के दिखाने वाला हूँ एज यू ऑल सी हियर, ठीक है गाइस। उसके साथ में हमें मिल जाता है एक सिम जैक टूल फर्स्टली एंड आफ्टर दैट यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी आपको गाइस विद 120 वॉट का अडाप्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जर मिल जाता है विद अ प्रोटेक्शन कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोटेक्शन कार्ड भी हमें इसमें डिवाइस में देखने को मिल जाता है एंड विद अ वारंटी कार्ड एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक स्टार्ट गाइडलाइंस, ये सारा हमें इस एक स्क्वेयर बॉक्स में मिल गया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वीवो X100 के अंदर, जो कि काफी बढ़िया। बाकी यार गाइस इसका एक और अभी जो डिवाइस है ना लॉन्च हुआ है Vivo X100 Pro, वो भी लॉन्च हुआ है, सो वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है। बट एनीवेज ये डिवाइस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार क्लोज ला के आपको मैं इसका कैमरा दिखा दूं, काफी बढ़िया कैमरा यार इस डिवाइस का, ठीक है। सो चलो अभी मैं वीडियो को एंड करूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये डिवाइस कैसा लगा एंड अभी कमेंट बॉक्स के साथ साथ यहाँ पे लाइक एम रहेगा इस वीडियो का 100 लाइक का, ठीक है। सो 100 लाइक टच जरूर करवाना गाइस, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, जो भी चैनल पे नहीं हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस।